नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब वो दिल्ली आएंगे और कब वो अपना आंदोलन को जारी रखेंगे और उनको एक जस्टिस मिलेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को, मेरे आखिरी दम तक मैं आपको जस्टिस के लिए फाइट करूँगी। आप जल्दी आइए सारे जन, संख्या बल होना चाहिए और एक बार हम सारे जन बैठ के इकट्ठा बैठ के हम नाश्ता पानी करेंगे, फिर आपके आंदोलन के बारे में बात करके उसे आगे किस तरह से करना है, क्या करना है, आप लोग प्लान किया है उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक बार आइए दिल्ली सब लोग, संख्या बल आइए और मैं बेसब्री से आपका आने का इंतज़ार कर रही हूँ। लॉकडाउन तो खुलेगा, धीरे धीरे खुल रहा है, खुलेगा, टाइम लगेगा उसको ओपन होने के लिए, बिकॉज महामारी है वो कोई छोटी मोटी महामारी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी है और उसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखकर आगे कदम बढ़ाना है, धीरे धीरे से कदम बढ़ाना है, एकदम से नहीं। और संख्या बल ताकतवर होना चाहिए ताकि हमारा जीत निश्चित हो। मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि हमने जो अभियान शुरू किया है ट्विटर पर, माननीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल पर, रोज़ हम ट्वीट करते हैं। क्या हुआ, पहले 2-4 दिन एसएससी जीडी स्टूडेंट्स ट्वीट करने लगे, अच्छे से ट्वीट कर रहे। भाई मैं अपने लिए फ़ाइट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रही हूँ, मैं अपने तन मन धन जान सब निचावर कर रही हूँ आपके लिए। और आप लोग जरा सा 5 मिनट समय नहीं निकाल के ट्वीट कर सकते हैं? कितना समय जाता है ट्वीट करने में? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बोलती हूँ, उससे कम होता है, लेकिन ट्वीट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जस्टिस मिलना है, इसीलिए मैं रोज़ ये मेहनत काम कर रही हूँ ट्विटर पर। और आप लोग इसे ट्वीट ज़रूर कीजिए। मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को, ट्विटर, अगर जिसके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है उसे ओपन कीजिए और उसे रीट्वीट करते जाइए सब लोग, और जो आपको कहना है ट्विटर पर बोलिए, ज़रूर बोलिए। ये आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। न्यूज़ 5 भारत हमेशा जस्टिस के लिए फाइट करती है और हमेशा आपको, आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है जो बीच रास्ते पे छोड़ के जाएंगे, हम आखिरी दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स साथ हमेशा देंगे, उनको न्याय दिला के ही रहेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री से वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं रोज़ रिक्वेस्ट करते जाऊँगी, जब तक एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलते हैं तब तक मैं उनके दरवाजे पे हमेशा कटकटाते रहूँगी कि माननीय गृह मंत्री जी एक बार नज़र उठाकर आप प्लीज़ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 रिटन टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, जो आप लोगों का एक हस्ताक्षर के वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मैं विनती कर रही हूँ आप इनको न्याय दीजिए, न्याय कीजिए इनके साथ। ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही के देश के बच्चे हैं, आप ही के देश के नागरिक हैं, आप इनके साथ अन्याय मत कीजिए, न्याय कीजिए। ये आपसे वही उम्मीद रखकर आपके दरवाजे पे कटकटा रहा है और मैं भी आपके दरवाजे पे कटकटा रही हूँ, इनके तरफ ध्यान दीजिए। और आज हमारे पास जो वीडियो आया है वो मेरे प्रिय शुभांगी का है, आप सुन लीजिए क्या कहना चाहती है, आइए हम वीडियो देखते हैं। मैं शुभांगी बगड़ेकर, महाराष्ट्र अकोला डिस्ट्रिक्ट से, और हमारा एसएससी का मुद्दा है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है कि सरकार तक हमारी बात पहुँची, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। और दिल्ली में कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो उसकी वजह से हम घर पे आए थे क्योंकि हम अनशन करना चाहते थे, क्योंकि प्रोटेस्ट के थ्रू हम सरकार तक बात पहुँचाना चाहते थे। हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि हमने 3 साल बहुत मेहनत की इस पोस्ट के लिए। और
मेहनत करने के बाद हमें इतने लंबे इंतज़ार के बाद हमें बाहर कर दिया है, जो सरासर अन्याय हुआ है। और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर हम अनशन करेंगे। अभी तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा हम दिल्ली आएंगे, वापस से अनशन करेंगे और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। और फिर से मैं एक बार अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सरकार के पास रिक्त पद खाली है और अभी वैकेंसी निकालने के बाद भी वो एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगी, तो हमें ज्वाइनिंग दी जाए।